हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया है। का वीडियो है अरवाना का ऑल डिटेल्स के बारे में। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। पहला जो पॉइंट है अरवाना का सेटअप के बारे में। अरवाना का जो सेटअप है, आप अरवाना का टैंक फिल्टर इसके बारे में मैं बात करूँगा। अरवाना का जो टैंक सेटअप है, टैंक का जो साइज होगा 2.5 फीट से 3 फीट, छोटा अरवाना के लिए मतलब 3-4 इंच अरवाना के लिए। अरवाना जैसे जैसे बढ़ता जाएगा उसे उसे आपका टैंक भी बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि एक लॉन्ग स्विमर है सीधा स्विम करना बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि रिवर्स में रहते हैं। तो इसको जितना हो सकता है उतना बड़ा टैंक दीजिए, 7 फुट 5 फुट 6 फुट, इससे इसका आप टैंक देंगे तो बहुत खुश रहेगा। और फिल्टरेशन के बारे में बात करूँगा, टॉप फिल्टर, स्पॉन्ज फिल्टर, पावर फिल्टर भी दे सकते हैं। स्पॉन्ज फिल्टर देंगे तो इसका वाटर कंडीशन थोड़ा लो हो जाएगा, मतलब इसका जो आप नीचे डस्ट वगैरह रहेगा, लेकिन आपको वीकली एक दो बार तो मिनिमम 2 बार आपको वाटर चेंज करना ही पड़ेगा। ये अरवाना एक ऐसा चीज़ है कि गंदे पानी में रहना बिल्कुल पसंद नहीं करते, तो इसको जितना हो सकता है उतना फ्रेश वाटर में रखिए तो अरवाना भी खुश रहेगा, हेल्दी रहेगा। दूसरा जो पॉइंट है इसका फीडिंग, इसके फीडिंग में आप सब कुछ दे सकते हैं। इसका जितने भी मछली है आप छोटे छोटे फीडिंग मछली दे सकते हैं, गप्पी वगैरह जो है। अब आप बड़े बड़े गोल्फिश भी दे सकते हैं बड़ा अरवाना के लिए। आप श्रिंप दे सकते हैं, आप मीट दे सकते हैं, आप जैसे भी छोटे छोटे खाने वाला जो मछली होता है या बड़े मछली है जो हम लोग खाते हैं, उस मछली का छोटे छोटे पीस में काट करके आप दे सकते हैं। आप कीड़ा मकोड़ा भी दे सकते हैं, बहुत मज़े से खाएगा, हेल्दी रहेगा। इसका थर्ड पॉइंट जो है एग्रेसिव के बारे में बात करते हैं। इसका एग्रेसिव है सेमी मॉन्स्टर एग्रेसिव, मतलब है सेमी मॉन्स्टर फिश है, इस सबको अटैक नहीं करते। इसके मुंह में बसने वाली जितने भी फिश है तो उसको अटैक करते हैं। तो इसका जो टैंक मेट है वो पहले एक वीडियो बना चुका हूँ, उस वीडियो का लिंक इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन पे है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं, चाहिए देख लीजिए। लास्ट जो पॉइंट है इसके बारे में बात करते हैं, इसका टैंक का वाटर कंडीशन के लिए। इसका वाटर कंडीशन जो है फ्रेश वाटर होना चाहिए, साफ सुथरा पानी होना चाहिए, बहुत ही साफ सुथरा पानी में रहना पसंद करते हैं। तो आप ऐसा कीजिए कि वीकली एक बार वाटर चेंज कीजिए, और वाटर का टेम्परेचर 28-30 डिग्री आसपास ही होना चाहिए। वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट में बताइए वीडियो कैसा लगा और आगे कैसा वीडियो देखना चाहते हैं।